मायावती ने किसानों के समर्थन का किया ऐलान। मायावती ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। पंजाब में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी माया। श्योर पार्टी को तीन तरफ से लगा झटका। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने सरकार पर जुबानी हमला बोला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने किसान आंदोलन पर पहली प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने बुधवार को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों को परेशान किया है। मेहनतकश किसानों की जो मांगे हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से ले और उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनका समय से समुचित समाधान करे, ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर ना होना पड़े। मायावती ने कहा कि इस संबंध में दिल्ली चलो के वर्तमान अभियान के तहत आंदोलन किसानों पर सख्ती करने की बजाय केंद्र सरकार उनसे सही वार्ता करके उनके आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश करे तो बेहतर होगा, और उनका शोषण करना भी ठीक नहीं है। आपको बता दें कि 2 साल बाद किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों का आरोप है कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई है। किसान नेताओं और सरकार के बीच मंगलवार को बातचीत हुई थी। इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों ने बुधवार को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था। किसानों का आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी गई है। किसानों को राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए मल्टीलेयर बैरिकेडिंग कंटीले तार लगाए गए हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस एंटी राइट व्हीकल को सीमाओं पर तैनात किया गया है। वहीं अगर चुनाव की बात करें तो पंजाब में बहुजन समाज पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल के साथ अपना 2 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। मायावती ने कहा कि पार्टी लोकसभा का चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी। बसपा द्वारा गठबंधन तोड़ने के फैसले से अकाली दल की परेशानी बढ़ गई है। पंजाब में बहुजन समाज पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल के साथ अपना 2 साल पुराना गठबंधन तोड़ा है। मंगलवार को उन्होंने एक बैठक में यह फैसला करते हुए इस बात का निर्णय लिया है। इसके बाद श्योर को तीन ओर से झटका लगा है। एक तो बसपा से गठबंधन टूट गया, दूसरा किसान आंदोलन के कारण भाजपा के साथ चल रही बातचीत भी अधूरी रह गई, वहीं तीसरा झटका आम आदमी पार्टी ने दिया है। आपको बता दें कि शिवसेना और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत के बीच 3 जनवरी को अमृतसर में होने वाली कमेटी बैठक को भी टाल दिया गया। उस समय यह तर्क दिया गया था कि पंजाब बताओ यात्रा के कारण टाली गई है। अब मंगलवार को भी बैठक में बसपा के रणधीर सिंह बेनीवाल ने बताया कि शिवसेना की ओर से लगातार पार्टी को नजरअंदाज किया जा रहा है। शिवसेना की भाजपा के साथ गुप्त बैठकें हो रही है, इसलिए बसपा शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं कर सकती।